गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा, आज हम प्लस वन केमिस्ट्री के अंदर हैं। हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बोला था कि एक्चुअली दिस इज ए सेट ऑफ फोर नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट द एटम। दैट मीन्स एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो संपूर्ण जानकारी दी जा रही है, दैट इज़ क्वांटम नंबर। और आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बोला था क्वांटम नंबर आर जस्ट सिमिलर टू पोस्टल एड्रेस। एक पोस्टल एड्रेस की तरह से है, जिस तरह से पोस्टल एड्रेस के ऊपर पोस्टल एड्रेस किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण जानकारी देता है, उसी तरह से ये क्वांटम नंबर एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संपूर्ण जानकारी देंगे। इनमें लास्ट वीडियो में हमारे दो हो चुके हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा मेन था, उसमें हमने बोला था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द मेन सेल अप टू विच द न्यूक्लियस टू देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस। दैट मीन्स बता दिया गया था कि न्यूक्लियस से पहली सेल कितनी दूर है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन, और वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट हुआ। सेकेंड आया हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाई एल, और बता दिया गया कि एल की वैल्यू एन माइनस वन से आएगी, जीरो से स्टार्ट करना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि सब सेल प्रेजेंट इनसाइड द मेन सेल, कि मेन सेल के अंदर कितनी सब सेल प्रेजेंट है। गाइस, ये तीसरा आज है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अगर इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो एक्चुअल में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आगे चल करके हमें यह बताएगा कि किसी भी चीज की कितनी शेप है। दैट मींस एस ऑर्बिटल कितनी तरह के मिलेंगे, पी ऑर्बिटल की कितनी शेप मिलेंगी, डी ऑर्बिटल की कितनी शेप मिलेंगी, और एफ ऑर्बिटल की कितनी शेप मिलेगी। इसको हम कभी कभी शेप सेलेक्टिव क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वांटम नंबर हमारे को शेप डिसाइड करवाता है केमिस्ट्री में। तो गाइज, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल। दैट मीन्स ओरिएंटेशन बताएगा, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। और आप इसके बाद याद रखें, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। दैट मीन्स जितनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस है उतनी ही ज्योमेट्री है। अगर यहाँ बात करें तो ये कह रहे हैं कि इसको खुद तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से प्रेजेंट करेंगे, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा माइनस एल टू प्लस एल जाएगी वाया जीरो। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, और वैल्यू माइनस एल से प्लस एल जाएगी जीरो से होते हुए। अब अगर बात करें, यहाँ देखो, एल की वैल्यू अगर जीरो है तो एम भी जीरो। जीरो मीन्स वन, यानी कि एस सब सेल हैज़ वन ओरिएंटेशन, और एक ओरिएंटेशन है, हैंस वन ऑर्बिटल इज देयर, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। उसके बाद अगर एल की बात करें तो एल इज इक्वल टू वन। अगर L1 है तो M देखो माइनस वन, जीरो और प्लस वन, तो हमारे पास आएगा P ऑर्बिटल हैज़ थ्री ऑर्बिटल्स। P में तीन ओरिएंटेशन, तीन ऑर्बिटल। अच्छा, कभी कभी कई बुक और कई टीचर इसको गाइज ऐसा भी लिखेंगे, प्लस माइनस वन और जीरो। इसको देखो बच्चा, हमने लिखा है माइनस वन, जीरो और प्लस वन। हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग इसको प्लस माइनस वन और जीरो लिखेंगे, तो आप भी गिनो, यहाँ पर वन टू थ्री, और यहाँ पर वन टू और एक जीरो। दो तो वन की होगी कॉन्फ़िगरेशन और एक जीरो की, तो तीन होगी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें एल इज इक्वल टू टू, तो एम की वैल्यू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। वैसे देखा जाए तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच आगे, हैंस डी हैव द फाइव ऑर्बिटल, इसलिए डी में पाँच ऑर्बिटल आएंगे। और वैसे अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे गाइज, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस वन एंड जीरो, यानी कि वन टू थ्री फोर और एक जीरो फाइव, आगे पाँच। इसी तरह से अगर L इज इक्वल टू थर्ड लेवल पे देखें तो M की वैल्यू माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, तो अब हमारे पास आ गई F हैज़ द सेवन ऑर्बिटल्स, कारण एक दो तीन चार पाँच छः सात। और वैसे देंगे तो प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस वन एंड जीरो। दिस इज ऑल अबाउट देयर गाइज। लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रेस्पेक्टिव ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर स्पिन को बताएंगे। स्पिन को बताने का मतलब कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर क्लॉकवाइज में रिवॉल्व्स कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व्स कर रहा है। दैट मीन्स जो स्पिन आएगी क्लॉकवाइज अगर किसी जगह है तो उसको हम प्लस,
हाफ से दिखाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर कहीं स्पिन आएगी तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई माइनस हाफ। तो इसलिए बोला जाता है कि एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस बट आल्सो स्पिन अबाउट देयर एक्सिस, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्व्स करता ही करता है, साथ में वो अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व्स कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सिस पर क्लॉकवाइज में रिवॉल्व्स कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व्स कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई द स्पिन क्वांटम नंबर। गाइस इसके साथ ही हमारे चार के चार क्वांटम नंबर ओवर हो गए। मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एक्सरसाइज की कि हाउ द क्वांटम नंबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम द गिवन डाटा। टेक ए स्क्रीनशॉट।